जनपद के गीडा थाना क्षेत्र के खानिमपुर में रविवार की सुबह भूमि विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट की, जिसमें 18 वर्षीय यशवंत के बाएं पैर में गोली लग गई तथा यशवंत के 57 वर्षीय पिता राम रक्षा का हाथ टूट गया। उसकी 55 वर्षीय माता गिरजा देवी व 25 वर्षीय भाई भगवंत की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। गिरजा व यशवंत का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। घटना की सूचना पर SSP जोगेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंच गए और घटना की तहकीकात कर हमलावरों के शीघ्र गिरफ्तारी के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। गौरतलब है कि गीडा थाना क्षेत्र के खानिमपुर निवासी राम रक्षा मौर्य के मकान के पीछे दूसरे का खेत है। उन्होंने छत के बर्जा के नीचे पिलर खड़ा कर दिया है। रविवार की सुबह गांव के ही सौरभ सिंह के परिवार के 4-5 लोग राम रक्षा के पिलर के पास पहुंचे और उन्हें धमकी देने लगे। परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचकर विवाद करने लगे। राम रक्षा के परिजनों ने इसकी सूचना डायल 112 को दे दी। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम दोनों पक्षों को समझा बुझाकर चली गई। सौरभ गोरखपुर शहर में रहता है। पीड़ित परिवार के मुताबिक विवाद के समय वह घर से बाहर था। पुलिस के जाने के बाद सौरभ सिंह के परिजन ने उसे सूचना दी तो वह शहर के 3-4 लोगों के साथ राम रक्षा के घर पर चढ़ गया। उसने राम रक्षा के छोटे बेटे यशवंत मौर्या को गोली मार दी। गोली यशवंत के बाएं पैर में लगी। उसके साथ में आए लोगों ने राम रक्षा व उनकी पत्नी गिरिजा व बड़े बेटे भगवंत को बेरहमी से पीटा। तीनों को मरणासन्न स्थिति में जानकर आरोपित फरार हो गए। बाद में सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां पता चला कि राम रक्षा का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। गिरजा के सिर में भी गंभीर चोट आई है। वहां से गिरजा व यशवंत को जिला अस्पताल के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दोनों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, जहां गिरजा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी पाकर SSP जोगेंद्र कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से एक एक बिंदु की जानकारी ली और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित गिरजा देवी, राम रक्षा और SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने कहा, जैसे वो हमारा छज्जा निकला था, ऐसे निकाल बनवाया था, छज्जा निकला हुआ था, नीचे भी हम दीवार चलवाए हुए थे यहाँ तक, तो उसी दीवार के ये बोलती है कि हमारा है यहाँ तक दीवार, तोड़ के फेंक दी थी, हमारा टूटा हुआ तोड़ के फेंक दी। पड़ोसी है पत्नी उनका की है, पंकज सिंह का पत्नी थी, पत्नी का नाम नहीं जानता हूँ, उनका लड़का का नाम जानता हूँ, वही गोली मारा है। सौरभ सिंह, सौरभ सिंह रवि सिंह का लड़का है, एक सिंह सिंह का लड़का है, तीन तीन लोग गाड़ी पे थे, बाकी गांव से लेके आया था, ये दो लोग मेरे यहाँ मुँह पर भी लग गया, कुछ चल गई, हमन के कुछ कई लग गई, हमन के पटा गई नी सबे। दीपक को बुलाओ, चार लोग
अच्छा कितने लोगों को गोली लगी? हमको गोली लगी है और माता जी को छू के साथ निकल गया है। बहन को भी गोली लगी? नहीं बहन नहीं, भाई को तो मार रहे थे। मंजीत क्या वो भी ठाकुर जी? हाँ ठाकुर। हाँ वो कहाँ करने वाला? हाँ। और पंकज सिंह तुम्हारे ज्यादा है? लेकिन सर यूँ है। अरे तुम्हारी लड़ाई है पंकज सिंह? बहुत ज्यादा सर। अच्छा बिल्कुल। तो चाचा ने तुम्हारे पास कहे ली जमीन जिस लड़ाई है तुम्हारी? सर यहाँ से सब छोड़ के वहाँ पे। हाँ क्या है और बस सबको पैसा वसूली करता है चार तरफ। कितने लड़के हैं? एक ही लड़का है। ठाकुर है? पंकज सिंह एक लड़का है, वो भी 24 साल का है। इतना बड़ा मीटर नहीं होता है लेकिन हो सकता है सर, इससे भी बड़ा मीटर हो सकता है। इससे भी बड़ा मीटर हो सकता है क्योंकि सर अक्षर सर कौन थे? तुम थे सुबह? नहीं जब सुबह झगड़ा हुआ था जैसे 112 में वहाँ फोन किए तो पुणे आए थे लोग, तो वो सर देखे और देख उसके बोले बोले पकड़ो। 9 बजे के टाइम में, 9 बजे के यही सवेरे 6 बजे आई ली है। उजाला होत होते आई ली है बतारी, बहुत सर्कस मनावे राम रक्षा। सवेरे हुआ है डंडा लेके मार दिए हैं आके पंकज सिंह का लड़का सौरभ सिंह। हाँ 10-12 लोग आए थे, मुंह बंद करके मारे आए थे। हाँ गोली हमारे भाई के और हमारे लड़के को लगा, छोटे लड़के को गोली मारा है, दो आदमी गोली चलाए हैं। क्या क्या नाम? एक नाम ना जानते हैं, सौरभ सिंह गोली चलाए हैं। हाँ रहने वाले हैं वो खानीपुर के रहने हैं, पंकज सिंह का लड़का है। क्या नाम आपका? हमारा राम रक्षा नाम है। आप उनके क्या नाम है? ठीक है। आप उनके लड़के के क्या हैं? जसवंत है। क्या है उनके आप? हाँ पिताजी हैं। किस गांव का मामला? किस थाने? खानीपुर। खानीपुर किस थाने का? थाने गीड़ा, थाना गीड़ा, थाना सहजनवा। ये खानीपुर में है, खानीपुर के राम रक्षा मौर्य हैं। इनके बगल में बताया जाता है कि कोई पंकज सिंह उन्होंने बैनामे की जमीन ली है। इसी बात के विवाद को लेकर पंकज के लड़के सौरभ सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा इनके साथ मारपीट और गोलीबारी की घटना ज्ञात हुई है, जिनके द्वारा जो बताया जा रहा है। और इस विषय में इनका मुकदमा दर्ज कर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे, मुलजमान की अरेस्टिंग करेंगे। शीघ्र अभी जो डॉक्टर से जो हमारी बात हुई है कि लड़का है जसवंत, इसके जो है पैर में गोली लगी है, महिला के सर पे गोली लगी है, लेकिन उसमें उसके बारे में अभी जो है डॉक्टरों को सस्पिशन है। सर पे सुपरफिशियल चोट है तो उसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं कि गंटसाट, और फिलहाल जो है तीनों लोग जो है घायल ठीक हैं। अब ये इसमें जो है डॉक्टर्स का यही वर्जन ज़्यादा उपयुक्त होगा, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई।